For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. दोस्तों 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान खड़ा कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ मुन्नी और उनके पवन मामा ने सभी का दिल भी जीत लिया। पर अगर आप इस फिल्म के सीक्वल के लिए इंतजार कर रहे हैं या फिर एक बार फिर मुन्नी और उनके पवन मामा को बड़े पर्दे पर साथ देखने के लिए बेताब है, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान इसके सीक्वल के बारे में क्या सोचते हैं। बता दें, एक हालिया इंटरव्यू के दौरान कबीर खान को बजरंगी भाईजान के सीक्वल के बारे में सवाल किए जाने पर डायरेक्टर साहब का कहना था, उन्हें सीक्वल का आइडिया कुछ खास नहीं लगता। वो अपनी कहानियों को कुछ ऐसे ही खत्म करते हैं कि उससे कोई सीक्वल की गुंजाइश नहीं रहती, इसीलिए इन कहानियों को आगे ले जाने के लिए वो कुछ खास एक्साइटेड भी नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनना ही नहीं चाहिए, या आपको लगता है कि कबीर खान साहब की स्टोरी में कुछ ट्विस्ट अभी बाकी हैं? हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में।